जेसीआई मिडटाउन के गोरखपुर द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित 100 फीट ऊंचे झंडे को मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने एक स्वर में राष्ट्रगीत गाए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुब्बारे उड़ाकर सबको अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, जेसीआई के अध्यक्ष विनीत पौदार, समाज सेवी कृष्ण कुमार तुलस्यान, गोरखपुर विश्वविद्यालय की अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉक्टर रविशंकर सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व मेयर अंजू चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की गई। तत्पश्चात जेसीआई सदस्यों द्वारा जेसी गीत की प्रस्तुति की गई। इसके तुरंत बाद उपस्थित लोगों ने एक स्वर में वंदे मातरम गीत गाए। तत्पश्चात छात्राओं ने गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलगीत की प्रस्तुति की। इस मौके पर जेसीआई के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माल्यार्पण, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया। सभा को संबोधित करते हुए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय के प्रवेश और परीक्षा परिणाम सहित विश्वविद्यालय के अन्य गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी, जिसके पश्चात जेसीआई के अध्यक्ष विनीत पौदार ने गोरखपुर के विश्वविद्यालय में 100 फीट ऊंचे झंडे की स्थापना के महत्व को बताया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय परिसर में 100 फीट ऊंचे भारतीय झंडे की स्थापना के लिए जेसीआई मिडटाउन गोरखपुर के सभी सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में गोरखपुर शहर एक नई पहचान की ओर निरंतर बढ़ते जा रहा है। यहाँ स्थापित एम्स, फर्टिलाइजर और रामगढ़ ताल की स्थापना अपने आप में एक जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि समूचे उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना होगा। इसके लिए हम सभी को स्वच्छ भारत अभियान के तहत जुड़कर प्रदेश को साफ सुथरा रखना होगा। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं, इसी के साथ 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के शिलापट का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। अब सभी गणमान्य अतिथिगण राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण करने के लिए ध्वज के पास जाते हुए सभी गणमान्य अतिथिगण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया जा रहा है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम बनाएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर करने में सहयोग कर रहे हैं गौरव जैन जी, शिखा जैन जी, चेतन नंदरानी, गौरव जावान, नितिन जैन एवं पीयूष पहुंच रहा है। इस तिरंगे के बीच में 24 तीलियों का एक चक्र है, जो हिंदू धर्म के अनुसार 24 तीलियां जीवन को दर्शाती हैं। धर्म जो इस प्रकार है, प्रेम, बहादुरी, धैर्य, शांति, उदारता, अच्छाई, भरोसा, सौम्यता, निस्वार्थ, आत्मनियंत्रण, बलिदान, सच्चाई, नेकी, न्याय, दया, आकर्षणशीलता, नम्रता, पुराणों में 24 संख्या बहुत महत्व
महत्व रखता है। अशोक चक्र को धर्म चक्र माना जाता है जो कि समय चक्र भी कहलाता है। अशोक चक्र के बीच में 24 तीलियां हैं जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों को दिखाता है। हिमालय के सभी 24 धर्म ऋषियों को 24 अक्षरों के अविनाशी गायत्री मंत्र के साथ प्रदर्शित किया जाता है। पहला अक्षर विश्वामित्र जी के बारे में वर्णन करता है, वही अंतिम अक्षर यज्ञवल्क्य को जिन्होंने धर्म पर शासन किया। महोदय भर रहा है, मैं समादृत मंचस्थ श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री टीम के सदस्य कर्मचारी शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर साई, मैं अपने संगीत विभाग के छात्राओं को सरस्वती वंदना के लिए कि आर्थिक न्याय की सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है। इकोनॉमिक जस्टिस कैन बेस्ट बी वन बाय फ्री मैन थ्रू फ्री एंटरप्राइज। कि शासन व्यक्ति का नहीं वरन विधि का होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी ऑफ लॉ रादर देन ऑफ मैन। कि वसुधा की महानिधि मानव व्यक्तित्व में निहित है। That Earth's great treasures lies in human personality. कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। And that the service to humanity is the best work of life. Thank you. सर्वोपयोगी संदेशों को समेटे हुए शुभ्य ज्योत्स्ना फुल्य
विश्वविद्यालय की कुलगीत अपने कुमार तुलस्याम जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया अतिशीघ्र करें। मैं प्रोफेसर विजय किशोर सिंह के सकारात्मक दृष्टिकोण, यह विश्वविद्यालय परिवार के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस ऐतिहासिक समारोह पर गोरखनाथेश्वर एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने व्यस्तम समय से निकाल कर आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में यहाँ उपस्थित और आज उनके कर्तव्यों के द्वारा इस परिसर में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया जा रहा है। मैं अपनी एवं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उच्च शिक्षा के और पावन परिसर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। महाराज की उपस्थिति से आज हमारा पूरा विश्वविद्यालय परिवार आनंदित एवं प्रसन्न है। मैं JCI गोरखपुर मिड टाउन के संस्था के अध्यक्ष श्री विनीत पोटार, श्री पीयूष जैन डायरेक्टर, श्री अमर तुलस्यान सहित सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जिनके सहयोग से यह 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण कराया गया है। इस समारोह में उपस्थित सभी महानुभावों का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, जो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय स्वाधीनता एवं स्वाभिमान के प्रति 100 फीट के इस राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा आरम्भ किया जा रहा है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश में ये पहला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो कि इस विश्वविद्यालय को नया गौरवशाली इतिहास देने में सक्षम रहा है। उसी कड़ी में इस 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को स्थापना के उपरांत मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज का गौरव उस उसकी रख रखाव की पूरी व्यवस्था विश्वविद्यालय परिवार द्वारा पूरी गंभीरता से किया जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस शुभ अवसर पर अवगत करना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय का शैक्षिक कैलेंडर के हिसाब से हमारी प्रवेश परीक्षाएँ हो रही हैं, हमारी परीक्षा सम्पन्न हो चुकी है और हमारे परीक्षा फल लगभग 80% घोषित हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बचे हैं वे एक सप्ताह के अंदर घोषित हो जाएंगे। और साथ ही कुछ महीनों पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोपी की स्थापना की जा चुकी है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बेटी हेतु स्थापना हेतु शासन को एक पत्र लिखा गया, शीघ्र ही उसकी भी स्थापना हेतु हमें शासन से सहयोग प्राप्त हो जाएगा। इस विषय में यह बताना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग 20 वर्षों से यहाँ शिक्षकों का अभाव था, उस शिक्षकों का अभाव को शिक्षार्थी से दूर किया जा रहा है। लगभग 20 विभागों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और बचे हुए भागों को भी जून के अंतिम सप्ताह तक उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे जो नियुक्तियों का अभाव था, जो शिक्षकों का अभाव था विश्वविद्यालय परिसर में, वो पूरी हो पाएगा। और अभी हमें कुछ महीने पूर्व NIC दिल्ली के सहयोग से यहाँ हमने एक क्लाउड सर्वर की भी स्थापना की है, जिससे हम यहाँ कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिशन हमने कराया है, विश्वविद्यालय एवं सभी महाविद्यालयों के संयुक्त परीक्षा कराई है, जिसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और उस प्रक्रिया के माध्यम से हम काउंसिलिंग के माध्यम से शिक्षार्थी प्रवेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में प्रवेश कार्यक्रम जल्दी
खत्म कर देंगे ताकि हम समय से हमारी जो पठन पाठन का कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय का उससे जुड़ी संस्थाओं का वो प्रारंभ हो सके। इस विश्वविद्यालय में पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है जो UGC गाइडलाइंस के नियमों के अनुसार है और प्रदेश का ये पहला विश्वविद्यालय बन गया है जहाँ विद्यार्थी परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। इसी वर्ष हमने 100 कमरे का नेपाली छात्रावास के लिए भी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है जो भारतीय नेपाल के संबंधों को और बढ़ावा देगी और स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ एवं पूर्वांचल संग्रहालय जो वर्षों से लंबित था वो भी प्रारंभ हो गया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं CCTV की निगरानी में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं, परीक्षा फल भी घोषित हो चुके हैं और CCTV के उपयोग से करीब लगभग नकलविहीन परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज के तहत राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना के समन्वयक श्री अमन कुमार द्वारा 4 से 11 मार्च 2018 तक नेपाल सरकार के अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय एवं देश का प्रतिनिधित्व किया जो इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण था। यहाँ के पर्यटकों को यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब वर्तमान में गोरखपुर का ये राष्ट्रीय धरोहर में विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज भी शुमार होगा और भविष्य में पर्यटकों के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण मिलेगा। इस भवन परिसर पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के लोकार्पण सभा में पधारे यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन एवं नमन करता हूँ। सर्वप्रथम हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का हृदय स्वागत अभिनंदन एवं नमन करता हूँ जिन्होंने आज हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करके JCI गोरखपुर मिड टाउन के वर्षों के इस प्रयास को सफल बना दिया। यह JCI गोरखपुर मिड टाउन के लिए गर्व एवं गौरव की बात है। हमें पता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के सबसे बड़े प्रदेश की पूरी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं और आपका कीमती समय मिलना और आपकी उपस्थिति हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है जिसके लिए हम सभी के पास आपका आभार व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। आप JCI गोरखपुर मिड टाउन के पूरे परिवार की ओर से धन्यवाद स्वीकार करें। पिछले 2 दशकों में गोरखपुर में जो भी विकास हुआ है वो आपकी ही देन है और आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद से गोरखपुर को एक नई पहचान मिली है। आज आप गोरखपुर में जहाँ भी देखें आपको वहाँ विकास और आधुनिकरण अवश्य दिखाई देगा जिसका श्रेय महाराज जी आपको ही जाता है। अब हम इस योजना को लेकर महाराज जी के पास 12 महीने पहले गए थे और इस प्रोजेक्ट के विषय में उनसे चर्चा की तो वे इस प्रोजेक्ट और इस उद्देश्य को जानकर बहुत खुश हुए और आपने अपना समर्थन एवं पूर्ण रूप से सहयोग करने का विश्वास दिया। कुछ दिन पहले इस प्रोजेक्ट के लिए आपका शुभकामना संदेश भी हमें प्राप्त हुआ जिससे हमें एक नई ऊर्जा मिली और हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को कम समय में जल्दी पूरा कर पाए। साथ ही साथ हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह जी के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम इस सफल आयोजन में गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के 100 फीट ऊंचे तिरंगे की स्थापना के लिए स्थान प्रदान करने के साथ साथ आज हम लोग इस आयोजन की भव्यता जो देख रहे हैं उसमें कुलपति महोदय और पूरी डिग्निटरीज व गोरखपुर विश्वविद्यालय का अहम योगदान है। कुलपति बड़ा नीचे प्रोफेसर VK सिंह जी, जैसी श्री विनीत पोतार जी, वरिष्ठ समाज सेवी श्री कृष्ण कुमार कोलस्यान जी, आज के समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे विश्वविद्यालय छात्र कल्याण के अधिष्ठाता प्रोफेसर रविशंकर सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, JCI मिड टाउन से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी व्यापारिक संगठनों सामाजिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना विश्वविद्यालय के साथ अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम जोड़ना, गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा
इस पूर्वी उत्तर प्रदेश की अनेक विभूतियों को समाज जीवन, राष्ट्र जीवन और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मंच प्रदान करना और आज उसी कड़ी में जेसी मिकटाउन के सौजन्य से भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत के राष्ट्रध्वज तिरंगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा का स्थापना होना यह हम सब की उसी एक नई कड़ी का हिस्सा है जिसके लिए आज गोरखपुर वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मैं इस अवसर पर गोरखपुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, विश्वविद्यालय परिवार को, विश्वविद्यालय के कुलपति जी को और जेसी में टाउन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने गोरखपुर को एक अवसर दिया भारत के आन मान और शान के प्रतीक भारत के राष्ट्र ध्वज को विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के लिए। भाइयों बहनों, गोरखपुर एक नई दिशा की ओर जा रहा है। गोरखपुर की पहचान श्रोतार भगवान गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में, दुनिया के अंदर भारत के योग के उस प्रसाद को महावीर भगवान गोरखनाथ जी की कृपा से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर जिस रूप में पहुंचाया गया, फैलाया गया, अभी परसों विश्व योग दिवस के अवसर पर आप सब भारत के ऋषि परंपरा के उस प्रसाद को स्वयं अनुभव करेंगे कि दुनिया के 192 देश एक साथ योग की इस परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। योग की परंपरा का क्षेत्र कोई और है तो वह है गोरखपुर। गोरखपुर से निकला योग की यह परंपरा आज दुनिया के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गोरखपुर ने सनातन हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी है। गीता प्रेस के माध्यम से जो कार्य दुनिया के अंदर गीता प्रेस ने किया वह गोरखपुर की एक पहचान बनी और गोरखपुर की पहचान की उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना होना, गोरखपुर में एम्स की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद गोरखपुर के साथ जुड़ना, फर्टिलाइजर कारखाने की स्थापना का कार्य आगे बढ़ना, रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण की योजना को आगे बढ़ना, गोरखपुर का मेट्रो सिटी के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ने की प्रक्रिया के साथ जुड़ना, एक साथ इतनी उपलब्धियों को जुड़ने के बाद आज एक बार पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षा के संस्थान में गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारत के इस राष्ट्र ध्वज का पहराना सचमुच एक बड़ी घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना है हम सब के लिए। शिक्षा गुणवत्ता युक्त हो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमें सदाचार के मार्ग पर, हमें संस्कारों के साथ हमें जोड़ सके यह महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षा हमें राष्ट्रीयता के साथ जोड़ सके यह उससे भी महत्वपूर्ण है। और शिक्षा को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने के लिए आज यहाँ पर जेसी मिकटाउन ने जो एक कार्यक्रम गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ यहाँ पर आयोजित किया है, मैंने हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, एक अवसर है हम सब के पास। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 22.5 से 23 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। इतनी बड़ी आबादी ये हम सब के लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा वाला प्रदेश है। आखिर गंगा यही है, यमुना यही है, अयोध्या यही है, मथुरा यही है, काशी यही पर है, प्रयागराज यही है,
शक्ति पीठों की एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध ने यहीं जन्म लिया, बुद्ध ने यहीं पर महापरिनिर्वाण निर्वाण लिया, संत कबीर ने यहीं जन्म लिया, संत कबीर ने इसी प्रदेश में महापरिनिर्वाण लिया। देश की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा देने वाले देश के महान क्रांतिकारियों की भूमि उत्तर प्रदेश बनी। उत्तर प्रदेश इन उपलब्धियों को अपने पक्ष में करके देश के सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो सकता है, और देश के सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होने की इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सहभागी बनना पड़ेगा। सरकार आपको मेट्रो दे सकती है, सरकार आपको फर्टिलाइजर कारखाना दे सकती है, सरकार आपको एम्स दे सकती है, सरकार आपको विश्वविद्यालय दे सकती है, लेकिन इन संस्थाओं की स्थापना के अनुरूप हम सबको भी परिवर्तन के इस मोड़ में अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। उस प्रगति के साथ अपने आप को आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ करके उसके साथ भागीदार बनना पड़ेगा, और ये भागीदारी बनने की इस प्रक्रिया के लिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुआ हूं। हम उसमें कहीं भी पीछे न रहने पाए, हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन इन सब के बावजूद जन सहभागिता जब तक शासन की योजनाओं के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक इन योजनाओं का महत्व आम नागरिक के लिए, आम जन के लिए कितना हो पाएगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। हमें अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में योगदान देना है। यह प्रयास हमारे स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। आजादी के बाद पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात का आह्वान हो रहा है कि 2019 तक हम इस बात का संकल्प लें कि देश के अंदर खुले में शौच पूरी तरह से मुक्त देश हो जाए, और अगर देश इस संकल्प के साथ जुड़ रहा है तो देश के सबसे बड़े प्रदेश को एक वर्ष पहले ही 2 अक्टूबर 2018 के पहले ही खुले में शौच से मुक्त के संकल्प के साथ अपने आप को जुड़ना पड़ेगा। और मैं इसके लिए यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों का आह्वान करूंगा कि वे इस अभियान के साथ जुड़ें। हमारा मोहल्ला, हमारा वार्ड, हमारा कस्बा, हमारा गांव स्वच्छ और सुंदर बने, ये स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़े, ये स्वच्छता हमारी समृद्धि का कारक बने, इस स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना होगा। सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करेंगी, लेकिन सरकार के उस प्रयास के साथ हम सबको जुड़ करके उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ेगा, और उस आगे बढ़ने की उस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए एक बार पुनः मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि गोरखपुर एक स्वच्छ सुंदर महानगर के रूप में स्थापित हो, इसकी पहचान बने, इसकी पहचान केवल गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, फर्टिलाइजर, एम्स या फिर किसी अन्य ऐसे संस्थान के साथ साथ इस रूप में भी लोग देखें कि गोरखपुर एक स्वच्छ और सुंदर शहर है। इस शहर में आने वाला हर व्यक्ति यहाँ की परंपरा के साथ, यहाँ के संस्कारों के साथ, यहाँ की स्वच्छता के साथ, यहाँ की सुंदरता के साथ अपने आप को आत्मीयता के साथ जोड़ सके, यह हम सबका दायित्व बनता है। और मुझे लगता है कि आज विश्वविद्यालय ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की, जैसी मिड टाउन के लोग आज से 6 महीने पहले मेरे पास लखनऊ में आए थे, इन लोगों ने मुझसे कहा था कि कोई जगह हमें उपलब्ध करवा दी जाए, और मैं धन्यवाद दूंगा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह जी को, जिन्होंने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने राष्ट्रीय ध्वज के लिए स्थान देकर के विश्वविद्यालय की गरिमा के साथ एक नई मणि जोड़ने का कार्य तिरंगा ध्वज के साथ, राष्ट्र ध्वज के साथ जोड़ने का कार्य किया है। यह सचमुच एक सराहनीय पहल है। हम सब अपने प्रतीकों का सम्मान न केवल करें बल्कि इसको करने के लिए अन्यों को भी प्रेरित करें, क्योंकि
इसी में भारत की राष्ट्रीयता, हमारी एकता और अखंडता अक्षुण्य रहेगी, हम सब सुरक्षित रहेंगे, आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा, उज्जवल होगा, मंगलमय होगा। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं जेसी मिकटाउन के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय में 100 फीट ऊंचे इस राष्ट्र ध्वज के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर एक बार पुनः गोरखपुर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वविद्यालय परिवार और जेसी मिकटाउन के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए इस प्रयास के लिए इनकी सराहना करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, यह दिव्य और भव्य रूप